ओके तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल देसी बॉयज पे। आई होप कि आप सब बच्चे होंगे, सेफ होंगे और घर पे होंगे। तो मोस्ट अवेटेड टीजर, या आई एम टॉकिंग अबाउट लक्ष्मी बॉम्ब। बहुत ही दिनों से, बहुत ही टाइम से इसे टीजर का वेट कर रहा था, स्पेशली जिसमें अक्षय कुमार हो। और अक्षय कुमार के फैंस के लिए भाई ये तो बहुत ही बड़ी बात है। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, पहले हम लोग वेट कर रहे थे कि सूर्यवंशी आए, लेकिन कोरोना वायरस कारण मूवी रिलीज ना हो पाई। लेकिन ये टीजर आ चुका है जिस पर आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ आपको दिखा के। ओके गाइस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा अक्षय कुमार के बारे में। ये जो एक्टर है, मतलब आप इनके कोई भी कैरेक्टर दे दो भाई, आप कॉमेडी दे दो, आप सीरियस का दे दो, आप देशभक्ति वाला रोल दे दो, कोई भी कैरेक्टर दे दो, हर कैरेक्टर को परफेक्ट तरीके से निभाते हैं और इसीलिए हमेशा टॉप एक्टरों में से एक आते हैं। तो गाइज, लक्ष्मी बॉम्ब फीचर है अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी, और इस मूवी रिलीज़ होगा 9 दिसंबर को, दिवाली में रिलीज़ होगा ये मूवी। लेकिन ये मूवी रिलीज़ होगा हॉटस्टार डिस्नी पे। तो गाइज, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि इस मूवी को देखूंगा मैं बड़े पर्दे पे। लेकिन कोई बात नहीं, अक्षय सर को देखना बड़े पर्दे पे, मूवी देखना बड़ी बात है, एक काइंड ऑफ फेस्टिवल जैसा होता है इनकी मूवी देखने के लिए। मतलब कभी भी रिलीज़ होता है डजेंट मैटर, मूवी सुपर हिट होती है। और स्पेशली ये बात कि साल में 3-4 मूवी आना कंफर्म होता है। तो गाइज, इसका एक मोशन पोस्टर आ चुका है, तो देखते हैं कि क्या खास है इस वीडियो में। 30 सेकेंड का गाइज, तो वी विल सी किस तरीके से इसमें रोल होगा। आज से तेरा नाम लक्ष्मण नहीं लक्ष्मी होगा। ओके लक्ष्मी बॉम्ब, तो 30 सेकेंड के मोशन पोस्टर में जो हम देख सकते हैं कि एक तरफ दिखाया गया लेडी का रूप और एक तरफ दिखाया गया जेंट्स का रूप। यार हैट्स ऑफ टू दिस मैन यार, मतलब कोई भी अगर आप एक्टर को दो, जो है एक्टर बॉलीवुड में, अगर ऐसा रोल दो तो कहीं ना कहीं वो अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, उन्हें लगेगा यार कि नहीं यार ये मेरे कम्फर्ट जोन के बाहर है। लेकिन ही इज़ द ओनली मैन जो आप कोई भी रोल दो यार, इनको कोई भी रोल इनके लिए छोटा नहीं है। बस स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। तो गाइज, इसको डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने। ही इज़ द सुपरस्टार यार, मतलब जिस तरीके से हमने उनकी एक्टिंग दिखी हुई है साउथ इंडस्ट्री की यार, ही इज़ द वन ऑफ द माय फेवरेट एक्टर इन साउथ इंडस्ट्री। अगर बात करूँ लक्ष्मी बॉम्ब की, तो एक मूवी जो कि रीमेक है, कंचना जो कि उस मूवी का रीमेक है ये, और इसको डायरेक्टेड बाय राघव लॉरेंस जो कि उस मूवी में यही डायरेक्टर थे, एज अ लीड रोल में भी थे, एज अ डायरेक्टर भी यही थे राघव लॉरेंस। तो हिंदी मूवी में फर्स्ट टाइम एज अ डेब्यू डायरेक्टर करेंगे, और आई एम रियली हैप्पी कि इन्होंने इस मूवी को एज अ डायरेक्टर करेंगे इस मूवी में, बिकॉज नो वन कैन रिप्लेस हिम। जिस तरीके से इनका टाइमिंग है, कॉमिक टाइम है, जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, आई डोंट थिंक सो उनसे बेटर कोई एज अ डायरेक्टर का रोल निभा पाता इधर। तो अक्षय कुमार प्लस राघव लॉरेंस, इनकी जो एनर्जी देखने मिलेगी सुपर्ब होगी। अगर बात करो रिलीजिंग डेट की, तो 9 नवंबर को रिलीज होगी। अगर इसके बात करो ट्रेलर की, तो आई थिंक 20 अक्टूबर को इसका ट्रेलर आ जाएगा, तो उसमें हमें पूरी स्टोरी देखने मिलेगी। तो गाइज, बहुत बड़ी बात है सारे अक्षय कुमार के फैंस के लिए, एंड आई एम वन ऑफ देम। मैं बहुत सालों से टिप टिप बरसा पानी से तब से फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई लव हिम यार, पाजी की बात ही अलग है। तो गाइज, ये कैसा लगा टीजर आप बताओ, और रिव्यू कैसा लगा ये बताओ कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम द देसी बॉयज। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा।